आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको पहली बार चाय बनाने बोला हो और आप हमेशा बनाते रह जाएं? मैं बताता हूँ। मॉर्निंग वॉच में ईपब को इंस्पेक्ट किया और उसका एचआरयू चेंज किया। एचआरयू को हाइड्रोस्टेटिक रिलीज यूनिट बोलते हैं। जैसे ही पानी में हमारी नैया डूबेगी, दिस एचआरयू हैज टू एक्टिवेट, जो कि इस ईपब को डूबते हुए शिप से अलग करेगा। शोर को सिग्नल भेजेगा कि ये वाला शिप तब बाय बाय टाटा गुड बाय। गेस करो ब्रेकफास्ट में क्या है आज? अब तो शायद आपको भी पता चल गया होगा, ऑमलेट। चीफ ने ब्रेकफास्ट जल्दी कर लिया था बिकॉज हमको करना था प्री अराइवल टेस्ट। मुझे जाना था डेक पे। स्टार्ट किया ईएसडी के साथ, जो कि कार्गो ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पॉइंट्स शिप पे काफी जगह होते हैं जहां से आप ईएसडी एक्टिवेट कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। लास्ट में हाइड्रोलिक वेल्व के क्लोजिंग टाइम चेक करना था, जहां से मेन कार्गो आता जाता है। काम के बाद थोड़ी देर रनिंग की। लंच में आज था फ्राइड राइस, फ्राइड फिश, चेनसो वाली रोटी, साथ में दाल, और इसको देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है। शाम को वॉच पर जैसे ही सन सेट हुआ तो पायलट आ गया, जो हमें अंदर ले गया पोर्ट में। इस बारे में हम कल बात करेंगे दोपहर 12 बजे।